क्या पीएम मोदी की आरती उतारेंगे लोग? आप कहेंगे क्या यार कुछ भी बोलते हो, ऐसा थोड़ी होगा, पीएम मोदी की मूर्ति बनाकर लोग उनकी आरती थोड़ी उतारेंगे। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि ऐसा हो चुका है। नमस्ते, मैं हूं मानशु और आप देख रहे हैं न्यूज बुक। ग्वालियर में बना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर और भक्तों ने उतारी आरती, लोगों के लिए भगवान बने पीएम मोदी। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है और कहाँ पॉसिबल है, कहाँ है वो जगह जहाँ पर ये सब हो रहा है। तो चलिए आपको विस्तार में बताते हैं। अक्सर मंदिरों में हम देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, हम सब रोज देखते हैं और खुद भी उसमें शामिल होते हैं। हम सभी के लिए नॉर्मल सी बात है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राजमाता विजयराजे सिंधिया की प्रतिमाएं पहले से ही स्थापित हैं। इस मंदिर में अटल जी की मूर्ति की स्थापना 1995 में ही की गई थी। खास बात ये है कि अब वहीं पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। यहाँ उनको चाहने वाले रोज सुबह शाम उनकी आरती पूजा भी करते हैं। ये आप सभी के लिए, कुछ लोगों के लिए शॉकिंग होगा, लेकिन यही सच है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के दिन पीएम मोदी की मूर्ति को भी उसी मंदिर में स्थापित किया गया है जहाँ पर बाकी पूर्व प्रधानमंत्री की मूर्ति अटल बिहारी वाजपेयी की और सिंधिया की मौजूद है। आपको बता दें कि यह मंदिर ग्वालियर के सत्यनारायण टेकरी पर स्थित है और पीएम की प्रतिमा करीब 1.5 फीट ऊंची है और इसे जाने माने मूर्तिकार प्रमोद विश्वकर्मा ने बनाया। खास बात यह है कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला ऐसा मंदिर है जहां पर उनकी मूर्ति स्थापित की गई। दरअसल मूर्तियों को स्थापित करने से पहले ओम के मंत्रों का जाप करते हुए अधिवक्ताओं और मंदिर में पूजा पाठ करने वाले सेवकाओं ने पूरी विधि विधान के साथ आरती उतारकर इन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूर्ति भी स्थापित हो गई। और पीएम मोदी की मूर्ति स्थापित करने वाले हिंदी प्रेमी अखिल भारतीय युवा अभिषेक पंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो देश विदेश में हिंदी के समर्थन में आयोजन करते हैं। उन्होंने भारत नेपाल के साथ और भी कई देशों किए हैं और इनकी मांग है कि हिंदी को अब राष्ट्रभाषा घोषित कर देना चाहिए। पीएम मोदी की मूर्ति स्थापित करने की बड़ी वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि वो हिंदी के बहुत बड़े सेवक हैं, वो अटल जी की तरह ही हिंदी के लिए समर्पित हैं और इसलिए मैंने हिंदी दिवस पर अटल जी के साथ ही उनकी मूर्ति की स्थापना कर दी। विजय सिंह चौहान ने ये भी बताया कि राजमाता विजयराजे सिंधिया ने भी हिंदी के लिए बहुत काम किया था। मैं तीनों लोगों के व्यक्तिगत रूप से मिला हुआ था और हिंदी के प्रति उनकी भावना का सम्मान करता हूँ और यही वजह है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जो मूर्ति है उसकी स्थापना की है। और अब इस खबर को सुनने के बाद आपको भी यह लग रहा होगा कि देवी देवताओं के मंदिर और पूजा पाठ करते हुए तो सुना था और देखा भी था, लेकिन पीएम मोदी को भी अब मंदिर में बनाकर तैयार कर दिया गया, उनकी मूर्ति भी मंदिर में मौजूद है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि मोदी जी भी अब मंदिर में नजर आएंगे जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है और लोग वहाँ पर पूजा पाठ भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ऐसी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मंदिर में उनकी मूर्ति तैयार हो गई है। तो इस बात में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा और तमाम ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा।